पानी का ढककर इलाका किसी सुंदर पर्यटन स्थल से कम नहीं है, लेकिन बड़े ही अफसोस का मकाम है कि आज तक पर्यटन विभाग और सरकार की नजरें इस पर्यटन स्थल की तरफ आकर्षित नहीं हुई। इसको यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों की नाकामी नहीं तो और क्या कहें। आलम तो ये है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस स्थल को पर्यटनों के नक्शों पर लाने की कोशिश तक नहीं की, जिसके चलते आज भी बनी तहसील का बेहद खूबसूरत स्थल ढग्गर पर्यटकों की नजरों से कोसों दूर है, जिसके चलते यहाँ पर्यटक स्थल अपनी ओर पर्यटक खींच नहीं पा रहा। जब यहाँ बनी अपडेट ने दौरा किया तो यहाँ आए पर्यटकों ने बनी अपडेट को बताया। और बहुत ही अच्छा इलाका है, टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं भी बसंतगढ़ से आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट कम है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट हो तो ये टूरिज्म अच्छा एरिया बन सकता है। देखने के लिए है तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर डिवेलपमेंट की वजह से थोड़ा नहीं आ सकते हैं टूरिज्म। चीज़ें हैं जैसे फूल हैं, हर तरह के फूल हैं, और पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और देवदार के पेड़ हैं, और भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कितनी किस्म के फूल जो है नेचुरल, ये यहाँ पे ये फूल्स हैं, यहाँ पे फ्लावर्स नेचुरल सर जितने भी होते हैं मैक्सिमम हैं सारे, हर कलर के हैं इधर, और नेचुरली पैदा हुए हैं। और मौसम कैसा है यहाँ? मौसम तो सर बढ़िया ही रहता है यहाँ पे। सर ये तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी जगह है, और आके फिर तो बाद में ही बंदा पता चलता है कि कैसी चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। मैं इधर अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ सर, यहाँ घूमने के लिए। आज छुट्टी है, छुट्टी के दिन इधर घूमने के लिए, और भी बहुत सारे दोस्त आए हैं जो इधर का एंजॉय लेते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो चारों ओर से यहाँ पहाड़ियों के बीच में इतनी बढ़िया आबादी है। ये पीछे देखो बर्फ देख सकते हैं आप, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस बर्फ का, इस मौसम का बहुत एंजॉय करने के लिए छुट्टी के दिन यहाँ पर इसी तरह से हर रोज़ इतना रश रहता है। तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर थोड़ा तवज्जो दी जाए, जो कि बिल्कुल ही ना के बराबर है टूरिज्म के लिहाज से। यहाँ पे कुछ भी हाट वगैरह कुछ कोई चीज नहीं है, ना ही MLA ना MP किसी ने ये नहीं देखा कि चलो फॉरेस्ट की है, एग्रीकल्चर की बिल्डिंग। आप किसका कसूर मानते हैं यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई? ये तो मैं पॉलिटिशियन का ही मानता हूँ, क्योंकि वो वोट के वक्त आते हैं, हर गाँव में आते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम आपको तरक्की देंगे, आपको डेवलपमेंट करेंगे, आपको रोजगार देंगे। क्या मानते कि यहाँ के जो नुमाइंदे रहे वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए? मेरे हिसाब से अगर हमारे इस गाँव को देखा जाए तो नाकाम रहे। अभी बसंतगढ़ से आए हैं, वो भी घूमने के लिए आए हैं, तो उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट है, वो उधमपुर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो देखो बिना रोड के और बिना फैसिलिटी के अगर लोग उधमपुर से आ रहे हैं, तो जहाँ फैसिलिटी होगी तो वो दूर दूर से भी आ सकते हैं। तो मैं इस लिहाज से कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के आगे ये गुहार लगाना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि यहाँ इस इलाके को नजरअंदाज ना किया जाए, इसकी तरक्की के लिए। जैसे हमारे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ से बहुत अच्छी लीड ली है, उनको भी ये एरिया देखना चाहिए। वो कभी आज तक वो 5 साल के पीछे टर्नओवर में नहीं आए, लोगों ने फिर भी उन पर विश्वास किया, तो मैं उन पर विश्वास करता हूँ कि वो यहाँ आए और इस चीज़ को देखें। हरा भरा इलाका है, लेकिन इग्नोर किया गया है टूरिज्म की तरफ से यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी यहाँ पे नज़र दी जाए तो हमें हिमाचल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट करता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया और सुंदर इलाका हमें देखने को नहीं मिल सकता। देख सकते हैं कि इस तरह के फूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके फूल जो है यहाँ पर हैं इसी तरह से, बिल्कुल इसकी जो ये वैली है इसके चारों तरफ इसी तरह के जो फूल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किस तरह के फूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पिंक्स कलर के हैं, येलो कलर्स के फूल्स भी हैं, और साथ ही वाइट कलर के फूल भी है यहाँ पर। इसी तरह इसी प्रकार से मैं आपको बता दूँ कि ये फूल जो है इस पूरी वैली के अंदर जो है ये इसी तरह के रहते हैं। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर सरकार थोड़ी सी तवज्जो दे, थोड़ा सा ध्यान दे, तो यहाँ पर दिलचस्प मकामात, एक सियासी दिलचस्प मकामात जो है वो बन सकता है यहाँ के सियाहों के लिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर जितने भी सरकारें रही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो हाल ही में
पीडीपी और भाजपा की सरकार रही हो, उन्होंने हर महज से खासकर बन्नी वैली को मुझे लगता है कि नज़रअंदाज रखा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बन्नी वैली में ऐसे बहुत सारे मकामात हैं, चाहे वो ये इस वक्त जहां पर हम लोग हैं ये ढग्गर है, इसके साथ साथ सरथल की हम अगर हम बात करें, दौला माता की बात करें, इसके साथ बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जो आज भी सरकार की नज़रों से उजल हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी इधर इस तरफ जो है सरकार ने नज़रसानी की होती तो ये इलाके जो है आज इस तरह से वंचित नहीं होते। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के लोगों ने जो यहाँ पे स्याह जो आया था, यहाँ के टूरिस्ट, यहाँ पर टूरिस्ट जो आया था, उन्होंने हमारे से बात की, उन्होंने यही कहा कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दिया होता, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी इस इलाके इस वैली के साथ जोड़ दी गई होती तो शायद यहाँ पर इससे ज़्यादा जो है टूरिस्ट आज यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि जैसे जैसे मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा जो है शुरू हो जाता है और लोग अक्सर पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बन्नी जैसा कोई ऐसा मकाम है जो कि जो कुदरती, एक तो कुदरती हुसन से जो है मालोमाल है। तो वहीं आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैली किस तरह से कुदरती हुसन से है वो मालामाल है। और यहाँ पर चारों तरफ मैं आपको बता दूं कि सरसब्ज पेड़ हैं और देवदार के पेड़ हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो खूबसूरती यहाँ पर जो दर्शाती है वो कबल जिक्र है। और बनी अपडेट भी आज यही सरकार तक मैसेज, एक संदेश पहुंचाना चाहता है कि एक तरफ इन वैलीज की तरफ थोड़ी सी नज़रसानी कीजिए, यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा तरक्याती मनसूबों को जो है वो ध्यान दीजिए और आने वाले समय में ये बनी वैली आलमी सतह पर एक सियाहती मकाम जो है वो हासिल कर सकता है।